रेखा जी जी सर प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। आपने महिलाओं को एक नई प्रेरणा देने के लिए खुद अपना कारोबार चुना। जी सर। और रानीखेत से हल्द्वानी आप टैक्सी के रूप में काम कर रही हैं। आपने समाज को एक बहुत बड़ी मजबूती दी है, आपका परिवार भी समृद्ध होगा और लोग भी इससे कुछ सीखेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जी सर थैंक यू, बस आपका आशीर्वाद है तभी हम लोग भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कभी आपको कोई परिवहन से संबंधित कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई मुझे फोन करिए। हाँ जी, मैं हमारा विभाग आपको पूरी मदद करेगा। जी सर। तो टैक्सी अपनी ले रखी है या किराए की, क्या है? नहीं सर अपनी है, हस्बैंड करते थे पहले, ये तो हस्बैंड का स्वास्थ्य इस बीच थोड़ा खराब ही है, 2-3 महीने से थोड़ा जॉइंटिस वगैरह हो गया था उनको। अच्छा। तो फिर अभी रेस्ट पे है वो, तो इसलिए ये काम मैंने संभाल लिया है फिर। वाह जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और बताइए। बस सर और सब ठीक हो रहे हैं। तो अभी हल्द्वानी रानीखेत चल रही है? जी जी, हल्द्वानी रानीखेत से हल्द्वानी जाती है, फिर हल्द्वानी से फिर वापस रानीखेत, बाकी फिर बुकिंग वगैरह कुछ होती है तो फिर कभी बुकिंग कर लेती हूँ। अच्छा जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मेरे लायक कोई सेवा होगी, विभाग लायक बताएगी तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। कभी भी आप मुझे बता के आपकी कोई दिक्कत होगी उसको मैं दूर करूंगा। जी सर, आपने अच्छा साहसिक निर्णय लिया, सभी हमारी महिलाओं के लिए अनेक अलग अलग उद्यम करने के लिए आपने प्रेरित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू। ओके सर, प्रणाम प्रणाम। जय देवभूमि जय उत्तराखंड, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेखा पांडे फ्रॉम रानीखेत। मैं सभी महिला शक्ति को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी अपने अपने स्तर पे कुछ भी नया करने के लिए झिझकने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने इस टाइम पे अपने आर्थिक मजबूती के लिए भी ये कदम उठाया, और महिलाओं से भी निवेदन है कि आप पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं। आप अपने आप में खुद ही एक शक्ति है, दुर्गा माँ का स्वरूप है, इसलिए आगे आइए और पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के चलिए। धन्यवाद।